अब इसको हम अपनी कक्षाओं की जानकारी अध्याय एक को आगे बढ़ाते हुए अब उदाहरण पर पहुंच चुके हैं और आज लेते हैं पहला उदाहरण, एग्जाम्पल वन। उदाहरण एक कि वर्ष 1991 में सुंदर नगर की जनसंख्या, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसको ऐसे पढ़ेंगे ठीक है ना, तो 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो वर्ष 1991 में जो जनसंख्या थी और जो जनसंख्या में वृद्धि हो गई, और उन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारे को क्या मिल जाएगा, 2001 में जितनी जनसंख्या थी दो शहर की वो ज्ञात हो जाएगी। तो बस इसी को करना है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, तो इसको हल करते हैं इसी प्रकार से। तो लिखेंगे पहले कि वर्ष 1991 में सुंदर नगर की जनसंख्या, तो वर्ष 1991 में शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, जनसंख्या मतलब होता आबादी, लोगों की आबादी है ना, कितने लोग थे उसको जनसंख्या बोलते हैं, जो लोग वहां पर होते हैं उनको जनसंख्या कहते हैं शहर में, ठीक है। तो जनसंख्या कुल थी 2,35,471, ये तो जनसंख्या थी ठीक है। और जनसंख्या में वृद्धि हो गई 72,958, तो यहां लिख लीजिए जनसंख्या में वृद्धि, जन संख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई, 72,958 ये वृद्धि हो गई। प्रश्न ये कह रहा है कि 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी, तो यहां पर जब वृद्धि हो गई, कुल इतनी जनसंख्या थी इतनी वृद्धि हो गई। अब आ गया वर्ष 2001, तो इस दोनों को जोड़ना है हमें, तो क्या लिखेंगे, 2001 में शहर की जनसंख्या, तो यहां लिखेंगे 2001 में शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, और इन दोनों को जोड़ देना है। भाई अब समय तो बढ़ता है ना, तो 91 के बाद ऐसे बढ़ता चला गया, 10 साल बाद इतना हो गया, तो जोड़ के देख लेते हैं कितना आया। और 8 और 1 9 7 5 12 की 2 हासिल का 1, 9 4 13 और 1 हासिल का 14 कि 4 हासिल का 1, तो 1 और में 5 जोड़ा 6 और 2 8, 7 और 3 10 और 1 हासिल का आ गया 3, तो यहां पर कॉमा लगा लीजिए, तो कितना हो गया, 3,08,429 ये जनसंख्या है। उदाहरण दूसरा भी लीजिए, अब ये जो प्रश्न है दूसरा उदाहरण कि किसी राज्य में वर्ष 2002-2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गईं, वर्ष 2003-04 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,00,100 थी। तो अब जवाब ये देना है कि किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी अधिक बेची गई, देखिए अधिक वर्ष बताना है, तो सबसे पहले ज्यादा देख लीजिए कौन सा है, दो संख्याएं हमारे पास, एक 8 लाख है और एक 7,43,000, तो पहले तो ये जवाब इस तरह देना है, तो किस वर्ष है? तो हमारे पास साइकिलों की संख्या ये एक इधर है एक इधर है, तो पहले लिख लेंगे साइकिलों की संख्या, या साइकिलों की संख्या, साइकिलों की
संख्या कितनी है? दो और तीन में है कितनी? 743,000। और 2003-04 में कितनी है? 2003-04 में है 800,000 में तो कुछ है नहीं, 100 है। अब देख लीजिए दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला अंक ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ऐसा लिखे, क्योंकि 800,100 बड़ा है किससे? 743,000 से, यही है ना, ये इससे बड़ा है। तो जाहिर है कि प्रश्न, पहला प्रश्न यहां से निकल के आ रहा है कि किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई, तो चूंकि ये बड़ा है तो इसका वर्ष क्या है, ये है, तो क्योंकि ये बड़ा ये है, अतः 2003-04 में अधिक साइकिलें बेची गई, में अधिक साइकिलें बेची गई, यही प्रश्न है ना, किस वर्ष अधिक साइकिलें बेची गई, अधिक साइकिलें बेची गई। अब दूसरा पूछ रहा है और कितनी अधिक बेची गई है, यानी यहां से ये दूसरा प्रश्न शुरू हो गया कि कितनी अधिक बेची गई। तो अधिक क्या होता है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटा दो तो जो भी अधिक माने अंतर निकल होता है वो निकल आता है। तो फिर से लिख लीजिए, अब यहां से घटाना है इसको, तो यहां से लिखना पड़ेगा कि वर्ष 2003-04 में साइकिलों की संख्या, फिर से दोबारा क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि अब इसका अंतर बताना है, हम कितनी अधिक बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी है, 800,100, 800 और 100, और वर्ष 2002-03 में साइकिलों की संख्या कितनी है, 743,000। प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितनी अधिक, तो इनका अंतर निकाल लीजिए, इनका निकाल लेते हैं अंतर, जो अंतर होता है उसी को तो अधिक बोला जाता है, कितनी अधिक हुई। तो शुरू करते हैं, इस शून्य से इस शून्य को घटाया, इस शून्य से इस शून्य को घटाया, फिर शून्य एक में से शून्य गया एक, ये इधर आ गया, 10 में से 3 गया 7, ये बन गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये बन गया 7, 7 में से 7 गया 0, यानी 57,100 अंतर आ गया। तो प्रश्न क्या था, बात कितनी अधिक थी, तो 57,100 अधिक थी। उत्तर क्या लिखेंगे, 57,100 साइकिलें अधिक थी, अधिक थी, ऐसे जवाब देगा। अब तीसरा भी लेते हैं, अब इस प्रश्न को लेते हैं, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, समाचार पत्र माने वही अखबार जो हमारे दरवाजे पर आता है, हम जिसे रोज पढ़ते हैं, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, एक जो अखबार है उसमें कितने होते हैं, 12 पृष्ठ बता रहा है। तो प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां, यानी अखबार कितने छप रहे हैं, 11,980 अखबार छपते हैं। तो ये बताना है कि प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं। देखिए, एक प्रति यानी एक अखबार में 12 पन्ने हैं,
तो 11,980 में कितने हो जाएंगे, 11,980 में 12 का भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, पूरे पूरे संख्या निकल आएंगे। तो शुरू करते हैं हल। तो लिखेंगे एक प्रति में पृष्ठों की संख्या, एक प्रति में पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या बराबर कितनी है, 12 है। कुल प्रतियां, कुल प्रतियां, कुल प्रतियां कितनी है, 11,980। अब क्या कह रहा है, कितने पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ निकालने के लिए तो कुल प्रतियों में, सभी प्रतियों में कुल पृष्ठ, तो अब जवाब क्या देना है, सभी प्रतियों में कुल पृष्ठ कैसे निकालेंगे, इसमें प्रतियों में पृष्ठों की संख्या का गुणा कर दीजिए। तो 11,980 में से इस 12 का गुणा कर दीजिए। अगर आपको 12 का पहाड़ा याद है तो सीधा सीधा पूरा पूरा गुणा कर दीजिए, और नहीं तो जो परंपरागत तरीका सीखा है अभी तक उसका इस्तेमाल कर दीजिए। दोनों तरीके जैसे आप सुबह ने वैसे कर देना है। तो शुरू करते हैं अगर परंपरागत तरीके से, तो 200, 2 8 16 की 6, हासिल का 1, 2 9 18, 1 19 की 9, हासिल का 1, 2 1 2 और 1 3 और 2 1 2, ठीक। अब इकाई वाले अंक को बंद कर दीजिए शून्य लगा के, अब दहाई काम शुरू होगा, या इकाई वाला काम खत्म हो गया दहाई, तो इकाई वाला अंक बंद हो जाता है इधर, और दहाई का पूरे गुणा करिए। तो 100, 188, 199, 111 और 1, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ देने से क्या निकल आएगा, कुल, तो 0, 6, 9, 8, 17 की 7, हासिल का 1, 9, 3, 12, 1, 13 की 3, हासिल का 1, 2, 1, 3 और ये हो जाएगा 4 और 1, तो बन गया 14 इकाई दहाई सैकड़ा, और यहाँ से 1 पे, तो 143,760 प्रतियां, ये कुल प्रतियां नहीं, ये इतने पृष्ठ, क्या पूछ रहे हैं कितने पृष्ठ छपते हैं, इतने पृष्ठ छपते हैं, तो उतनी प्रतियां 11,980 प्रतियां बनती हैं। अब ये चौथा प्रश्न ये है इसमें कि अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध, सीट माने चौड़ी चौड़े पन्ने, वो कितने हैं, कुल 75,000 है। अब प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं, यदि उन चौड़े पन्नों को काटा जाए तो कितने पन्ने पृष्ठ बन रहे हैं, 8 पन्ने, 8 पृष्ठ बनते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। अब उनसे क्या होता है कि एक प्रैक्टिस करने के लिए एक किताब बनाए, कॉपी बनाई जाती है, अभ्यास पुस्तिका माने कॉपी बनाई जाती है, या जिसको रफ वर्क भी बोलते, रफ कॉपी बोलते हैं, 200 पृष्ठों की कॉपी बनती, मतलब 200 वो जो कागज कटे थे उनसे एक कॉपी बनती है। तो उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जाती है, तो आपके पास जितना उस सीट से कागज आपने बनाया है तो 200 पृष्ठों वाली कितनी कॉपी बनाई जा सकती है, ये प्रश्न कह रहे हैं। तो आप शुरू करते हैं कैसे हल करना है। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें कुल दिया हुआ है कागज की 75,000 सीट उपलब्ध है, यानी कि कागज की सीटों की संख्या, यहां लिखिए कागज की कुल सीटें, ऐसा लिख लीजिए, सीटें माने वही कागज के जो बड़े बड़े पन्ने हैं उनको सीटें बोलते हैं, तो वो कितने हैं, 75,000,
ये, और एक सीट से 8 पृष्ठ बनते हैं, तो एक सीट से बनने वाले पृष्ठ, एक सीट से बने पृष्ठ, ऐसा लिख लीजिए, एक सीट से बने पृष्ठ कितनी है 8, यानी 8 पृष्ठ बनते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठ निकाल लीजिए पहले, तो जिससे हमारे को पता चल जाए कितने हमारे पास कुल पृष्ठ आ चुके हैं। तो कुल पृष्ठों की संख्या, या कुल पृष्ठ जैसा भी आपको सुविधा लगे वो लिख लीजिए। तो क्या होगा, कुल पृष्ठ कैसे बन जाए, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, यानी कि 75,000 में 8 का गुणा करने से हमारे पास पृष्ठों की संख्या निकल आएगी। तो देखिए, 3 शून्य है, किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने से उस संख्या में परिवर्तन नहीं होता। 8 का 5 में गुणा करिए, 8 पंचे 40 की शून्य हासिल कर 4, 8 सत्ते 56 और 56 4 60, यहाँ शून्य सॉरी कामा और यहाँ कामा, इतने तो पृष्ठ निकल आए हमारे, ये इतने कुल पृष्ठ निकल आए। ये पहला, ये यहाँ से यहाँ तक है का पहला जवाब हो गया। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं, तो उपलब्ध कागज यानी इतने कुल कागज हैं हमारे पास से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। तो अभ्यास पुस्तिका में, तो ऐसे लिखेंगे, एक अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या, तो यहां से लिखेंगे एक अभ्यास पुस्तिका में, एक अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या, एक अभ्यास पुस्तिका में कितने हैं 200, ठीक है, एक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ आते हैं और हमारे पास कितने पृष्ठ हैं 6,000। तो कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती, तो कुल अभ्यास पुस्तिकाएं यहां पर लिखेंगे, तो कुल, तो बनने वाली कुल अभ्यास पुस्तिकाएं ऐसे लिखेंगे, बनने वाली कुल अभ्यास पुस्तिकाएं, ये अब बनने वाली कुल अभ्यास पुस्तिकाएं कैसे आ जाएंगी, कुल पृष्ठों में से एक अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठों का भाग देना है, क्या करना है, कुल पृष्ठों में से एक अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठों की संख्या से भाग देना है, ऐसा लिखना है, कुल पृष्ठों की संख्या में एक अभ्यास, एक पुस्तिका के पृष्ठों की संख्या, एक पुस्तिका के पृष्ठों की संख्या, इन दोनों का भाग दे दीजिए, तो इसका आपका काम बन जाएगा। तो शुरू करते हैं, कुल पृष्ठों की संख्या कितनी थी 6,00,000, 6 के बाद 1, 2 और 1, 2, 3, इतने तो कुल पृष्ठ थे, और एक पुस्तिका के पृष्ठ थे 200, तो ये लीजिए 200। अब क्या करना है, भाग देना है, भाग देने के लिए हमने बताया था जो आसानी से हटे उसको हटा देना है, ये हट गए, अभी इधर कितना बचा 6,000, तो इसको लिख लीजिए 6,000 और नीचे बटा 2, तो 2 का भाग देते हैं 3 बार जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 × 6 अर्थात 3, और फिर 1, 2, 3 इतनी पुस्तिकाएं बनेंगी, बस अलग से भाग दे दीजिए, देखिए 2 × 6 = 3 और फिर लगातार 3 शून्य, इतनी कुल अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी।